सिंघिया अस्पताल में इलाज करवाने आए लोगों को हो रही परेशानी। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघिया में इलाज करवाने के लिए आए लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिससे कभी कभी स्थिति भयावह भी हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला कि सिंघिया के एक व्यक्ति ने अपने पुत्र आर्यन कुमार को इलाज करवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघिया पहुंचे तो उसे कोई देखने वाला नहीं था। वे अपने बच्चे को लेकर अस्पताल परिसर में ही इधर से उधर भटक रहा था, तब फार्मासिस्ट संजय सिंह की पहल पर उक्त बच्चे का इलाज किया गया है। फिर भी उक्त मरीज के परिजनों से ही स्टिच लगाने के लिए बाहर से ब्लेड मंगवाया गया है। बताया गया कि बच्चे के सर पर एल्बेस्टस गिर जाने से घायल हो गया था। खास बात यह भी है कि सिंघिया पीएचसी में कई वर्षों से ड्रेसर नहीं है, जिस कारण एक्सीडेंटल मरीजों को ड्रेसिंग या स्टिच करने किसी अन्य बिना जानकार लोगों से ही उक्त कार्य करवाया जाता है। देखिए ना, जब इस आदमी को दिखाने जा रहा है, इधर उधर कर रहे हैं, जब ब्लेड नहीं है और डिटोल नहीं है, कॉटन नहीं है, क्या नहीं है, बताइए। परेशानी हुई हॉस्पिटल में आपके? परेशानी हुआ जो हम लोग को बोलता है वहाँ पर्ची कटवाइए, वहाँ से भगाता है, यहाँ से भगाता है, वहाँ हम लोग को डॉक्टर लोग रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बच्चा कौन सा? बच्चा क्या नाम है? बच्चा किनो है? अरियन। क्या हुआ था बच्चा को? बच्चा कपार फूट गया था, ईट गिर गया था। कितने देर से?